Hello guys, today I'm going to take you to MICA. MICA is one of the top college for media and advertising. So that's one of the main college India's, in fact the top college in India for media advertising if you are interested in that area. So it's about para campus hai ye Ahmedabad mein, so it's quite inspired by IIM Ahmedabad as well as lagta hai. Mere ko unka best part laga is this auditorium. Very innovative yaar, very innovative styling. ठीक है, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, गरीब कॉलेज है, इनके पास नॉर्मल ऑडिटोरियम भी है, बट दिस इज मोर ऑफ अ इनफॉर्मल ऑडिटोरियम. ठीक है जी, सो टुडे विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट MICA, हाउ टू अप्लाई, व्हाई टू अप्लाई एंड शुड आई अप्लाई और नॉट. सो MICA हैव टू प्रोग्राम, वन इज PGDM-C विच इज कम्युनिकेशन एंड नॉर्मल PGDM प्रोग्राम. देर टू प्रोग्राम विच दे हैव, यू हैव टू चूज फॉर बोथ और एनी वन ऑफ देम. प्रायोरिटी नंबर वन, प्रायोरिटी नंबर टू आप दे सकते हो. तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस ईयर बैच इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. सो देर गोइंग टू बी रिटन टेस्ट, यू हैव टू फर्स्ट गिव द MICAT एग्जाम. सो MICAT वन का रजिस्ट्रेशन इज ओपन नाउ फ्रॉम अक्टूबर 2022 एंड विल क्लोज बाय नवंबर 19th एट 11:50 PM. सो नवंबर 19th में कैट के एक हफ्ता पहले तक वी कैन अप्लाई. तो आज अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, आराम से वी कैन अप्लाई. एंड इफ़ यू गो फॉर द MICA टू, मतलब सेम टाइम टू MICA, दो बार होता है MICA, उसका रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट इन नवंबर 22 एंड विल क्लोज इन जनवरी 16. तो MICA में आप दो अटैम्प्ट दे सकते हो, फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट. अगर तो आप MICA को लेके वेरी सीरियस हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में डालो, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे जो लगता है कि कन्वर्ट करने के चांसेस ज़्यादा है. अगर आप MICA में इंटरेस्टेड नहीं हो, ज़्यादा कैट में ज़्यादा फोकस है आपका, तो पहले कैट दे दो, कैट के बाद विल गिव दिस सेकेंड अटैम्प्ट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. Fine. Now, the best part of MICA, which I like the most, is the exam. Look at this here. In fact, other exams should also learn from this and try to apply this thing. In 350 words, you have to use A, B, C, D, all the four pictures here. So, we have an elephant with a tree. We have an autumn kind of a environment. We have a guys let go outside the train. And we have a ballet dancers with द क्रिसमस ट्री. ये चारों फोटोज़ को यूज़ करके इन अ वेरी इनोवेटिव वे यू हैव टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दिस. बताओ यार, इससे बेटर आपको एग्ज़ाम कहाँ दिखेगा. और प्लस साइकोमेट्रिक टेस्ट, प्लस दिस, प्लस दैट. सो आई बिलीव MICA इज़ द मोस्ट क्रिएटिव एग्ज़ाम यू कैन एवर हैव. वेरी क्रिएटिव, या बट गुड न्यूज़ इज़ अ वेरी क्रिएटिव. बैड न्यूज़, यू हैव टू स्टिल गिव कैट और जैट और GMAT एग्जाम. फाइन, सो कैट अप्लाई होना चाहिए. कैट इज़ जस्ट अ क्वालिफाई एग्जाम. ठीक है, कैट में ऐसे कोई कट ऑफ नहीं है वहाँ पे, बट आई बिलीव कैट में 70% प्लस इज कंसिडर टू बी अ गुड कट ऑफ मेरे ख्याल से. कैट में अगर 70 प्लस है तो आपका MICAT का स्कोर ऐड करके यू कैन गेट अ गुड परसेंटाइल. सो देर विल बी साइकोमेट्रिक टेस्ट, देर बी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, देर बी विल बी अ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग टेस्ट. वर्बल, क्वांट, DI, वो सब इसमें बाद में आएगा, बट दिस पार्ट, दीज टू थिंग आई थिंक इज द मोस्ट इनोवेटिव. मेरे को लगता है क्या, मेरे को चाहिए कि कैट भी, CET भी ऐसी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें. कब होगा, क्या होगा, पता नहीं, बट होना चाहिए. एंड देन देर विल बी अ GEPI, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू. सो इनका GE इज ऑल्सो वेरी इनोवेटिव, वेरी वेरी इनोवेटिव. ओके, देन आफ्टर सिलेक्शन 50% वेटेज इज फॉर योर कैट स्कोर एंड 50% वेटेज इज MICAT स्कोर. इन दोनों को यूज़ करके आप लोग अप्लाई, आपको कॉल आएगा. सो 70% इन कैट जैट इज मोर देन सफिशेंट. एंड इन MICAT एग्जाम वी कांट फाइंड द स्कोर बिकॉज यू डोंट डिस्क्लोज द स्कोर. तो आई बिलीव मोर देन 50% परसेंटाइल, 50% मार्क्स इज मोर देन सफिशेंट टू गेट द कॉल. ओके, तो MICA के सैम्पल पेपर आर अवेलेबल. सो आई हैव डाउनलोडेड द पेपर एंड आई हैव अपलोडेड दिस पेपर्स इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आपको सारे पेपर आपको मिल जाएंगे. सारे 2100 का फॉर्म है, तो अभी आप आराम से बैठो, अभी अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. नवंबर 15 के आजू बाजू विल डिसाइड. कैट में बहुत बंबू लग गया, देन वी लुक एट द MICAT एग्जाम. या अगर आपको MICA में इंटरेस्ट है, देन वी कैन अप्लाई फॉर दैट. देन तो अभी अप्लाई कर दो. अगर आपको MICA ही तुम्हारा, लाइक डू यू आर बॉर्न टू गो टू MICA, तो चुपचाप भरो. ठीक है,
But my still advice is those who are interested in media, those are interested in marketing, only those people should apply. Finance वाले को वहाँ apply करके कोई फायदा नहीं है. But that's again my advice. आपको आपकी मर्जी आगे. So I'll place my report of the Mica College and then we'll decide whether to apply or to apply because then we will get a clear cut idea as well. तो best part of Mica is male female ratio 55% male to 45% male. This is one of the only college which have more female than male. ठीक है, average Indian BB schools are now touching 30% female, यहाँ 50%. Fresher 38% fresher. इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अराउंड 35% people with work ex of 1 to 2 years. And 18 plus 7, around 25% of the batch have work ex of more than 2 years. Yeah, so we have a very diverse batch. Engineers 46%. And I believe one of the main reason for that is their admission process. ठीक है, CAT वाले नॉन एजे को 3 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा दे, तो भाई CAT का एग्जाम तो ईजी करो. Fine, and these are the roles where you can get. If you are not interested in any of these roles, ठीक है, campaign manager, marketing specialist, sales specialist, product manager, digital lead, program manager, customer success manager, ठीक है, content designer, brand manager, brand strategist, then please don't waste your time. For the log, please stay away. Mica have shown 100% placement record and average placement have gone up from 14 lakh to 19 lakhs. Every B school is showing a 30% jump in their placement. So average salary now stand at 19 lakhs, median 17 lakhs and number of students 208. Iska itni high salary ka the main reason is batch size kam hai. Average CTC increased by 35%. Average CTC the top 50% of the batch is 24 lakh. Domestic highest is up from 49 to 57 lakh ka highest package. Highest mat dekho, I always recommend ki look at the average package. Okay, now sector wise FMCG highest package 28 lakhs, IT highest 57 lakhs and FMCG highest 22 lakhs. So FMCG mein sabse zyada highest package mila hai. IT ko main counting karta, IT to pura jhool lagta mere ko to yaar, not for this college, for every college. IT mein pura mere ko gadbi lagti sara, kaun aaya, kahan se aaya. Financial fees. Now coming to the fees point of view, the 2 year program including tuition fees, residential charges, hostel, infrastructure facility etc is 21 lakh. And agar aapko international immersion mein jana hai to uska optional hai, fees have to be paid extra around 5 lakh hoga. To 21 lakh ka fees including hostel and with the 19 lakh ka average package, ROI wise this college is doing good now. लास्ट ईयर आर ओ आई का इशू था, मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में ये डाला था कि आर ओ आई का इशू है, क्योंकि लास्ट ईयर तक एवरेज पैकेज वो 14 लाख. 21 लाख फीस पे करके मेरे को अगर 14 भी मिलेगा तो आर ओ आई यू शू स्ट्रगल, बट डेट होता है. मीडिया में एवरेज पैकेज कम होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में ग्रो होते हैं. बट अगर आपको 14 मिल रहा है अभी, अगर 19 मिल रहा है एवरेज पैकेज, देन आई थिंक इट्स अ गुड बेट टू गो फॉर. All right, and all these companies have come to campus. So in case you are interested, you can apply for that. Link ye sare maine description box mein dal diye. So you have to decide whether to go for it or not to go for it. Baki aapke upar hai. Mera kaam hai aapko information dena. Baki iske upar aur research karo and dekho aapko jana hai ki nahi jana hai. All the best.